आपका मेजबान चौधरी सोहेल स्थलिक जीवे पाकिस्तान बैन अवी शहरों पे वीलॉग्स का सिलसिला जारी है। अब हम आपके अगर किसी भी शहर पे वीडियो बनाते हैं, वीलॉग बनाते हैं और आप उस शहर को देख चुके हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपने मेज़बान चौधरी सोहेब सालिक को जीवे पाकिस्तान वीलॉग्स पे बैन अवी शहरों पे खसूसी डॉक्यूमेंट्रीज का सिलसिला जारी है। आज की किस्त में हम बात करने जा रहे हैं तमाम दुनिया की नगाहों का मरकज, और आप भी यकीनन इसके नाम से वाकिफ होंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात का मरकजी इलाका और शहर दुबई। मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतें हैं जिनमें से ज़्यादातर जिक्र दुबई के बारे में होता है, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी दुनिया की नज़रों का मरकज़ है। ये वो मुकाम है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और छुट्टियाँ गुजारते हैं। सबसे पहले जिस मुकाम का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे या बहुत ज़्यादा ये जिक्र होता है वो है पाम जुमेरा बीच। दुबई का पाम बीच जहाँ सयाहों की बड़ी तादाद आती है और साहिल से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसके बाद दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम, दुनिया की बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा जो कि दुबई के पास, ये भी एजाज है। कुछ अर्से पहले तक ये एजाज था कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत थी, लेकिन अब हाल ही में सऊदी अरब में एक मक्का टावर इससे भी बुलंद इमारत बन गया है, तो फिर बुर्ज खलीफा जो है वो अब पहले नंबर पर नहीं है। लेकिन इसकी दिलकशी, इसकी खूबसूरती और इसका जो चार्म है वो अभी तक उसी तरह बरकरार है, और दुबई में रहने वाले और बाहर से जाने वाले इसको देखने की ख्वाहिश और हसरत लेके दुबई जाते हैं। इसके साथ तस्वीर बनाते हुए सैयार नजर आते हैं और उनकी खुशी दीदनी होती है। यहाँ पे डेजर्ट सफारी की जो सहूलत मौजूद है वो भी सयाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये भी अरब कल्चर की याद ताज़ा करती है कि रेत और रेगिस्तान में जिस तरह से डेजर्ट सफारी का बेहतरीन मौका फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अंदरून शहर सफर के लिए दुबई की मेट्रो ट्रेन, जिसकी मिसाल आपको शायद ही कहीं और मिले, जिसकी तेज रफ्तारी और महफूज सफर अपनी मिसाल आप है, और इसके अलावा इसमें इतना रश भी हो जाता है बाज़ुकात, जिसका मैं खुद भी शाहिद हूँ कि आपको बैठने के लिए कुर्सी ना भी मिले लेकिन लोग खड़े होकर सफ़र करने को भी इसमें तैयार होते हैं। एक अच्छी और आरामदेह सहूलत बिजनेसमैन के लिए भी इन्होंने यहाँ पे बिजनेस का जो माहौल बनाया है उसकी वजह से सरमायाकार यहाँ पे अपने आप को महफूज महसूस करते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुबई में गुजारते हैं। दुबई के जो मशहूर खाने हैं उनमें चावल और गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अरब कल्चर से हमें देखने को मिलता है, जो कि पूरी अरब बेल्ट में आपको बआसानी ये चावल और गोश्त दस्तयाब होते हैं। चौधरी सोहेब सालिक आपसे इजाज़त देता है, इंशाल्लाह नई वीलॉग में किसी और बैन अवी शहर की कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।